स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर आई प्रोटेक्शन को यूज़ करेंगे, क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं, और ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी, आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट। यहाँ पर आपको नाइट लाइट शेड्यूल का ऑप्शन मिला था, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर पहले मैं आपको हटा के दिखाती हूँ डार्क मोड, आपको दिखाती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आई प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है। तो देख रहे हैं आप, कलर जो है थोड़ा सा बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप रात को यूज़ करते हैं मोबाइल को तो आप इसे ज़रूर ऑन करें, इसे जो ब्लू लाइट है उसको फ़िल्टर कर देता है और आपको आँखों को काफ़ी आराम देता है। तो रात को यूज़ करने के लिए खासकर ये बनाया गया है। अगर आप रात को यूज़ करते हैं मोबाइल तो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करें, आई प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। यहाँ पर सनसेट टू सनराइज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो इसे शेड्यूल कर सकते हैं इसको ऑन करके। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑफ हो चुका है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टर्न ऑन एट कस्टम टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप टाइम भी शेड्यूल कर सकेंगे। जैसे कि आप दिन को यूज़ डार्क मोड यूज़ करते हैं और आपको आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर पाएंगे आई प्रोटेक्शन को। तो यहाँ स्टार्ट टाइम पे क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर रात को 8 बजे का कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस पर क्लिक करें। जैसे कि 8 बजे का यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, तो रात के 8 बजे ही ऑटोमेटिक जो है ऑन हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से ऑटोमेटिक ऑन होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए तो आप मॉर्निंग के सुबह के 7 बजे का रख सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ 7 o'clock यहाँ पर कर सकते हैं आप, जिसकी 8 o'clock इससे कि सेट करना हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कैंसिल करके दोबारा अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 7 o'clock आप सेट कर पाएंगे। 7 पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे आप तो हो जाएगा 7 o'clock आप सेट कर पाएंगे। यहाँ पर टाइम शेड्यूल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आपको टाइम शेड्यूल कर लेना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेना है तो आपको जो टाइम टेबल है वो शेड्यूल हो जाएगा। और यहाँ पर एक और जो आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो इसे, ये कूल है, अगर आपको यहाँ पर वार्म की और चाहिए, पहले मैं इसको ऑफ़ करके दिखाती हूँ। अगर आप टाइम शेड्यूल करेंगे तो आपको इसे ऑन करके रखना है, मैं भी ऑफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम शेड्यूल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से आप इस तरीके से करेंगे तो ये कूल हो गया। कूल, ये देखिए, आई प्रोटेक्शन डिसेबल वार्म कूल ऑन यू स्क्रीन दैट आर, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेंड्स, यही इसमें बताया गया आपको कि यहाँ पर आपको इस तरीके से अगर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर इसे ऑन करके रखेंगे आप। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पूरा करेंगे तो आई प्रोटेक्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर इसको हल्का करेंगे, वार्म है आपको कूल चाहिए तो यहाँ पर कर लीजिए, ये कूल हो गया। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है, आपको कैसे यूज़ करना है, वार्म करना है या मीडियम रखना है या बिल्कुल वार्म करना है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है मीडियम, ये ठीक है, इसे किसी यूज़ कर पाएंगे आप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर इसको बंद करना है तो वापस आपको इसी पर क्लिक करना है और इसे बंद कर लेना है। एक और आई प्रोटेक्शन का जो आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से यूज़ करें तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना है और यहाँ पर आई प्रोटेक्शन इसको ऑफ करना चाहे तो आपको यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं। एक बार आप टाइम शेड्यूल करके यहाँ पर डायरेक्ट आप इसे ऑन ऑफ करके इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मुझे ऑफ करना है, ऑफ कर दे रही मैं, तो इसे किसी यूज़ कर लेना है। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।